हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस तरह से पेपर से साइज निकालते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साइज निकालने के बाद हम उसे किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो आज की वीडियो आप देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि साइज लेने के बाद अब हमारे पास जो पेपर का तैयार साइज आ जाता है उसके बाद हम कैसे उसे यूज़ करें डिज़ाइन बनाने के लिए। तो आज मैं आपके लिए कुछ लीफलेट्स या कुछ ब्रोशर्स के जो आउटलाइन है कैसे हम लेते हैं वो सब चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, जिसके बाद आप उन सब चीज़ों को बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कोरल ड्रॉ में नया पेज ओपन कर लेते हैं और अब हमारे पास ये पेज ओपन हो गया है। तो अब मैंने आपको जो साइजेस बताए थे वो थे, एक तो हमारे पास जो शीट होती है वो होती है 18 इंच बाय 22 इंच की, और उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा साइज़ निकलता है वो निकलता है 11 इंच बाय 18 इंच का, फिर निकलता है 9 इंच बाय 11 इंच का, फिर 7.5 इंच बाय 9 इंच का, और एक निकलता है हमारे पास 11 इंच बाय 6 इंच का। ये 5-6 तरह के साइज़ निकलते हैं और भी साइजेज आप निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत वेस्टेज वगैरह जाती है तो वो कंसिडर करके आप वो वाले साइज़ भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो परफेक्ट साइजेस हैं हमारे पास, इसमें जो हमारे पास आजकल जो शॉप्स में, मॉल्स में और जो ऑफिसेज में जो बिल बुक वगैरह प्रिंट होती हैं ये किस हिसाब से होती हैं और इनके लिए डिज़ाइन जो है वो किस हिसाब से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो है रेक्टेंगल टूल इसे ले लेता हूँ मैं। अब जो बिल बनता है, अभी मैं बात कर रहा हूँ बिल की, तो जितने भी बिल बनते हैं वो जो है आपका A4 साइज़ से बड़ा कोई भी बिल नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ लूँगा 9 इंच बाय 11 इंच का साइज़। तो वो मैंने आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि 9 इंच बाय 11 इंच का साइज़ कैसे आता है। तो फ़िलहाल मैंने इसमें 9 इंच भर दिया है, टैब किया है नीचे, 11 इंच कर दिया है। ये जो पैलेट है इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, तो इसे कर देते हैं हम एंटर। अब ये आप देख सकते हैं ऊपर कि मैंने साइज़ चेंज किया है, फिर भी ना ऊपर जो है साइज़ डिस्टर्ब हो गया। मैंने 9 इंचेस भरा था, यहाँ पे 7.904 आ गया बाय 11 आ गया। ये क्यों हुआ? इसका कारण है ये लॉक, यहाँ पे लॉक लगा हुआ है और ये जो लॉक होता है ये प्रोपोर्शन में काम करता है, प्रोपोर्शनली काम करता है ये लॉक। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ बनाई है और उसे उसी प्रोपोर्शन में आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप ये लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लॉक ओपन करना होगा। अब ये कई बार कब ज़रूरत पड़ जाती है इस लॉक की, आप जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लोगो है और लोगो का मान लीजिए ये साइज़ है, अब आपको लोगो छोटा या बड़ा करना है तो आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे भाई ये तो मैं पकड़ के भी ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे आप कर सकते हैं, पर इसमें और उसमें लॉक में क्या फ़र्क है? मान लीजिए जो आपका जो स्पेस है उसमें 0.8 की जगह है या 0.7 की जगह है, हाइट आपको उतनी चाहिए, विड्थ आप पूरी ले सकते हैं या विड्थ आपको उतनी चाहिए उसके हिसाब से हाइट अपने आप एडजस्ट हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि आप इसे बार बार देखते रहें और ऊपर अपनी नज़र गड़ाए रखें कि कैसे ये 0.9 तक पहुँचेगा, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अभी 7.9 आ गया, फिर 8 आ गया, 6 आ गया, ऐसे ऐसे हम करते रहें इसे बार बार। इसे मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से। दूसरा का तरीका क्या है कि हमने ऊपर पैलेट पे गए और यहाँ पे ये ताला लॉक कर दिया, जैसे अभी ये लॉक ही है। लॉक करने के बाद अगर मुझे इसकी हाइट चाहिए 0.9, तो मैंने यहाँ 0.9 भरा और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद जो इसकी हाइट है वो अपने आप ही 0.9 करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो अपने आप ही एडजस्ट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि विड्थ हमारी 9 या 2 इंचेस रहे तो आप यहाँ पे सिंपली 2 टाइप करके एंटर मार दीजिए, वो अपने आप ही इसकी वो सेट कर देगा। अगर ताला हम नहीं लगाते हैं तो हमें दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा, फिर इसकी शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि वहाँ वो स्क्वायर बन गया, उसकी शेप चेंज हो गई है। फिलहाल इसे हटा देते हैं और इसको अब हम सही कर लेते हैं। ये ताला ओपन कर लिया था अभी हमने, तो यहाँ पर भरते हैं 9 इंचेस। मैं पेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी इजी रहेगा। अब ये वाला जो साइज़ है हमारा, अब जैसे मैंने पेज ये किया A3 पे चेंज, तो ये जो है ना स्केल हमारा ये चेंज हो गया, ये MM में आ गया। और मैं बात कर रहा था आपसे इंचेस की, तो इस पैलेट पे ही
आप बिना किसी चीज को सिलेक्ट करें ये ऊपर प्रॉपर्टीज दिखाता है क्या है, तो ये जो मिलीमीटर है इसे आप इंचेस में चेंज कर सकते हैं यहाँ से, या कोई और वैल्यू अगर आप ले रहे हैं तो उसमें भी चेंज कर सकते हैं। इंचेस में हमें चाहिए, हम इंचेस में चेंज कर लेते हैं इसे, इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा साइज आ गया है 9 इंचेस बाय 11 इंचेस। देखिए एक रूल है कि हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हमें मार्जिन्स चाहिए होते हैं, क्योंकि ये तो है हमारा पेपर का साइज़। अब हम प्रिंटिंग करेंगे तो आप जो प्रिंटिंग करते हैं तो उसे हम कट टू कट नहीं कर सकते प्रिंट। जैसे अब हमारे पास ये कटा हुआ पेपर है तो हम इसे कट टू कट प्रिंट नहीं कर सकते, या तो हमारे पास शीट बड़ी हो, क्योंकि पेपर जितना भी होगा हमें उसमें, आप लोग जानते ही होंगे कि उसे में ग्रिपर छोड़ना पड़ता है। ग्रिपर क्या होता है, कोई भी चीज़ हम प्रिंट करते हैं तो उसे पकड़ने के लिए जगह जो चाहिए होती है मशीन को, उसे ग्रिपर कहते हैं, और उस जगह पर प्रिंट नहीं होता है। तो जितना भी बड़ा आपका पेपर होता है उसके अंदर ही प्रिंटिंग होती है, या तो अगर आपको कट टू कट प्रिंटिंग चाहिए तो आपको बड़ी शीट प्रिंट करनी पड़ेगी, अगर आप बड़ी शीट प्रिंट नहीं करना चाहते, छोटी करना चाहते हैं, तो आपको उसमें मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। अब ये मार्जिन कितना होना चाहिए, मार्जिन जो मिनिमम होता है वो होता है कि चारों तरफ से आधा आधा इंच आपको छोड़ना है। अब आधा आधा इंच क्या होता है, यहाँ से हम इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं, प्लस हम इसमें कर लेते हैं, प्लस किया मैंने, कॉपी हो गई एक और। अब यहाँ से आधा आधा इंच हम कर सकते हैं, तो ये जो होता है आधा इंच लेफ्ट से जाएगा, आधा इंच राइट से जाएगा, तो हमारे पास एक इंच कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और जो हाइट होगी वो हो जाएगी आपकी 10। अब ये साइज आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या होता है कि हम जो पेपर कटिंग करते हैं 18 इंच बाय 22 इंच की जो शीट कटिंग करते हैं, और अब आप एक ही चीज़ को बार बार काटते हैं, मशीन से भी हम कट करते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा फिगर नहीं होता कि वो बिल्कुल एक्यूरेट कटे, उसमें हल्का सा 1-2 mm का फ़र्क आ जाता है। या आप लोग जानते ही हैं, जब भी हम पेपर अगर हाथ से भी हाफ करेंगे तो भी वो बिल्कुल बराबर नहीं कट पाता, 1-2 mm का फ़र्क आ जाता है। और उसे क्लियर करने के लिए, उसे बिल्कुल बराबर दोनों पेपर को करने के लिए हमें दूसरा भी छोटा करना पड़ता है। तो उस मार्जिन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये देखिए ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इससे एक एक सूत जो होता है वो और छोटा कर देते हैं। अगर आपने ये स्केल से नापना नहीं सीखा है तो ऊपर मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इसमें से आप सीख सकते हैं कि कैसे आप स्केल से चीज़ों को नाप सकते हैं। उसकी वैल्यू मैंने पूरी अच्छी तरह से समझाई हुई है, आप उसे वीडियो को देख के अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि स्केल से कैसे नापें, और उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि सूत होता क्या है और इसका डिज़ाइन बनाने में कितना इम्पोर्टेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक सूत ऊपर नीचे से कम कर देंगे, क्योंकि हमें वो जो चीज़ है वो वेस्टेज के लिए छोड़नी ज़रूरी होती है। हमारे पास जो पेपर का साइज़ आता है वो जब फाइनल होता है तो थोड़ा सा छोटा आता है। जैसे अब हमने जो ये जो साइज़ लिया है, ये लिया है 9 इंचेस बाय 11 इंचेस, पर जब हम पेपर को असलियत में काटते हैं तो हमारे पास जो साइज़ आता है ना वो 8.9 ही आता है या 8.85 ही आता है, थोड़ा सा वो कम हो जाता है, और ऐसे ही यहाँ पे भी 10.85 या 9 आता है, ऐसा आप कुछ साइज़ आ जाता है हमारे पास। हालांकि कई बार वो पूरा भी आ जाता है अगर पेपर का शीट हल्की फुल्की बड़ी छोटी निकल जाती है। तो इस एवरेज में हम क्या करते हैं, सेफ साइड चलते हैं, हम अंदर वाला जो मार्जिन है एक एक इंच छोड़ने के बाद, 11 था हमारा, हमने 10 लिया, और 10 में भी हम क्या करते हैं एक एक सूत और छोड़ देते हैं, या टोटल आप 2 सूत भी कम कर सकते हैं। जो 2 सूत की वैल्यू होती है वो होती है 0.25, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हम 0.25 कम कर देंगे, अभी 10.0 है, इसमें 0.25 हम कम करेंगे तो ये आ जाएगा 9.75, 0.25 इसमें ऐड करेंगे आप तो ये 10 हो जाता है पूरा। अब हमें क्या है, ऊपर जो है, ऊपर हमें कम करने की खास ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत इसलिए नहीं है हमें क्योंकि जब हम प्रिंट आउट लेते हैं, एक कंप्यूटर पे हम प्रिंट आउट देते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट लेते हैं, तो जो उसकी विड्थ होती है वो होती ही 7.5 इंचेस है। 7.5 इंचेस से ऊपर का प्रिंट आउट नहीं होता है, या 7.6 आ जाएगा, 7.7 भी आ जाता है कई प्रिंटर्स में, हाईएस्ट जो होता है, वाइडेस्ट जो प्रिंट होता है वो, तो ये तो ऑटोमेटिकली 7.7 चला जाता है,
7.5 चला जाता है, सॉरी। तो इसीलिए हमें साइड में हम देखते नहीं हैं और ऊपर नीचे से हम, तो ये जो हमारा अंदर का साइज आया है, इसमें मैं एक शेड फिल कर लेता हूँ, ये जो हमारा अंदर का साइज आया है ये हमारा एक साइज है आइडियल, जो हम यूज़ करते हैं बिल बनाने के लिए, या आप बना लीजिए इसमें लीफलेट, या अगर बना लीजिए आप ब्रोशर, कुछ भी बना लीजिए। अब हमारे पास ये जो साइज होता है अंदर का, ये हम यूज करते हैं। अब इसके अंदर हम सारी चीजें लिखते हैं, कंपनी का नाम, एड्रेस, बिल विल, और यहाँ पे पर्टिकुलर रेट अमाउंट वगैरह वो सब चीज लिखते हैं। वो सारी चीजें मैं आप आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, फिलहाल इसमें ये आप सीखिए कि साइजेस लेते कैसे हैं। तो हमारे पास जो साइज आया है इसका A4 साइज में, अगर आपको कोई भी चीज डिजाइन बनानी है तो ये जो साइज आता है, ये आता है 7.5 इंचेस बाय 9.75। 7.5 इंच इसलिए क्योंकि 7.5 से ऊपर तो प्रिंट ही नहीं निकलता, और 9.75 इसकी हाइट हो गई। अब मैं एक और बात बताता हूँ, मान लीजिए आपने ये बनाई है बुकलेट, कोई कोई किताब है जिसकी बाइंडिंग जो है वो आप करना चाहते हैं यहाँ से साइड से, ज़्यादातर जो 90% होती है वो साइड से ही होती है बाइंड, तो आपको साइज यही लेना पड़ेगा या कम लेना पड़ेगा? देखिए, जहाँ से भी आपको बाइंडिंग करना होता है ना एक किताब को, वहाँ से आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है। अब हमने 9 इंच का हमारा पेपर था, हमने लिया 8 इंच, 8 में से भी आधा इंच हमने और कम कर दिया क्योंकि वो प्रिंट आउट ही नहीं निकल सकता। तो इसीलिए इस वाले साइज में हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और भी एक्स्ट्रा। अदरवाइज अगर कोई और साइज होता तो उसका साइज कैसे बनता? ये था हमारा 9 इंचेस, तो 9 में से हम सीधा क्या करते हैं, जहां से बाइंडिंग होती है वहां से 1 इंच कम कर देते हैं, पूरा आधा इंच मार्जिन का, या वो तो वैसे भी छूट जाएगा आपका चारों तरफ से आधा आधा इंच, और आधा इंच और एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं जहां से भी आपकी बाइंडिंग होती है। मान लीजिए इसी किताब में आपकी जो बाइंडिंग है ना, अगर ऊपर से आप करने लगते हैं, मान लीजिए इसी किताब की बाइंडिंग आप ऊपर से करने लगते हैं, तो इसका साइज हमें छोटा करना पड़ेगा और भी, क्योंकि साइड में तो हम साइज इसलिए नहीं छोटा कर रहे इसका, और क्योंकि हमारे पास मार्जिन है पर वहां पे प्रिंटिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन आपको टॉप टू बॉटम जो है पूरी प्रिंटिंग हो सकती है। तो इसीलिए अब आपको अगर बाइंडिंग करनी है तो आपको अगर ऊपर से करनी है तो आधा इंच आपको ऊपर से और जगह छोड़नी पड़ेगी, और 1/2 इंच अगर आप छोड़ते हैं तो ये जो साइज है 9.75 ये हो जाएगा 9.25, क्योंकि हमें आधा इंच और कम करना पड़ेगा। तो फिर ये जो साइज है हमारा प्रिंट एरिया ये हो जाएगा, और इसमें जो बाइंडिंग है वो हमारी टॉप से हो जाएगी, यहाँ से बाइंड हो जाएगी हमारी वो। अब चलते हैं दूसरे साइज की तरफ, कि हमारा जो दूसरा साइज है वो क्या है। देखिए, जो दूसरा साइज हमारा निकला था इसके बाद वो था हमारा 7.5 इंच, 7.25, और हाइट थी उसकी 9 इंचेस। अब ये वाला जो साइज है, मान लीजिए आपको कोई लीफलेट बनाना है, कुछ भी बनाना है, लीफलेट अगर बनाना चाह रहे हैं, कोई पैम्फलेट बनाना चाह रहे हैं, तो आप जो भी आपका पेपर का साइज है उसमें से 1-1 इंच कम कर दीजिए, सीधा सा रूल है उसका, चारों तरफ से आधा आधा इंच छोड़ना है, तो आप टोटल 1 इंच कम, आधा ऊपर से आधा नीचे से 1 इंच कम कर देंगे, सीधा यहाँ पे 6 करेंगे और नीचे 8 कर देंगे। हालांकि नीचे आप और भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें मार्जिन छोड़ना पड़ता है, साइड से आ जाता है वो, एक एक सूत हम जो मैंने आपको बताया था कि 2 सूत अगर हम वो भी कम करते हैं तो 6/7.75 आप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आ सकता है 7.75, और ऊपर ऊपर ले जाना है आपको अगर कीबोर्ड से ही, तो शिफ्ट टैब करेंगे तो उल्टा टैब जाता है, शिफ्ट टैब करते हैं तो आगे आता है, शिफ्ट टैब अभी मैं दबा रहा हूँ तो वो टैब ऊपर पहुँच गया है, शिफ्ट टैब दबाएंगे आप तो नीचे आ जाएगा, दोबारा ऊपर जाना है तो शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप 6 ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ साइड रहेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है कटिंग में जो वेस्टेज चली जाती है बिल्कुल 2-2, 3-3 mm की, और वो हर पेपर में से जाती है, वो इसीलिए हम उसे सेफ साइड ले लेते हैं। अब हमारे पास ये वाला साइज आ गया है, अब इसमें भी सेम चीज़ है। अगर मान लीजिए आपको करनी है साइड से बाइंडिंग, जहाँ से भी आपको बाइंड करना चाहते हैं आप किताब, तो वहाँ से आप आधा इंच और कम कर दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास 6 है साइज। अगर हमें इसे साइड से बाइंड करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ से बाइंड हो जाए हमारी किताब,
तो हम क्या करेंगे, इसमें से आधा इंच और कम कर देंगे, 5.5 कर देंगे इसे। और यही चीज़ है, अगर आप चाहते हो कि हमारी बाइंड हो ऊपर से, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो फिर हमें साइड से कम करने की ज़रूरत नहीं है, साइड से हम रखेंगे 6 ही, और यहाँ से हम आधा इंच कम कर देंगे, तो आधा इंच कम कर देते हैं 7.25। ये देखिए इस वाले जो साइज़ में ये जो हमने बनाए हैं अभी, यहाँ पे हमने जो है इसका टॉप से कम किया, और इसमें विड्थ नहीं कम करी। विड्थ इसलिए नहीं कम करी क्योंकि अब हमें ये जो है किताब हमें ऊपर से बाइंड करनी है, इसलिए हमने इसे कम नहीं की विड्थ। और इसमें हमारी जो किताब थी वो हमें करनी थी साइड से बाइंड, तो हमने यहाँ से साइड से कर दी, इसकी हाइट कम नहीं की। तो अब आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि हम कैसे साइजेस लेते हैं और कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए इससे छोटे साइज भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, मान लीजिए आप कोई कहता है मुझे तो A4 का हाफ साइज पे प्रिंट कराना है, तो वो कैसे होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये वाला जो साइज है, मान लीजिए एक और बॉक्स मैंने बनाया, ये है 9 इंचज बाई 11 इंचज का, 9 बाई 11। अब इसमें हमें करना है तो ऊपर से, तो आप चाहे बाइंडिंग होनी हो चाहे ना होनी हो, ऊपर से तो आपका 7.5 ही आएगा, क्योंकि 7.5 से ज़्यादा प्रिंट ही नहीं निकलता है। हाइट आपकी जो है 9 11 से हो जाएगी 10, और इसमें भी सेफ साइड हम लेते हैं 2 सूत और कम, तो ये हो जाता है 9.75। अब ये हमारे पास आउटर हो गया। अब देखिए आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो आउटर हुआ है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे तो लंबी किताब चाहिए, आपने देखी भी होगी, या लंबे कुछ पर्चे चाहिए, तो कैसे होंगे वो। अब हमें बीच में से कटिंग करनी है, तो बीच में से कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम एक एरिया इतना छोड़ देते हैं, ये होता है लगभग 7 सूत, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। आप स्केल वाली वीडियो देख के अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इसे हम नापते कैसे हैं, और ये आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप डिज़ाइनिंग के मामले में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आपको एक चीज़ इस अच्छी तरह से स्केल ही करनी नहीं आएगी कि उसे नापें कैसे, तो आप कैसे डिज़ाइन बना पाएंगे, चाहे आप कितने भी अच्छे डिज़ाइनर बन जाएं, अगर आपको एक चीज़ नापनी नहीं आएगी तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, एक स्केल लेकर दूसरी दूसरी चीज़ें नापिए, और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्ट मुझे या तो ईमेल भेज सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम चीज़ें काटते हैं ऐसे, तो इसमें हम 7 सूत का गैप देते हैं। 1 सूत जो होता है वो 125 का आता है, 0.125 का 1 सूत होता है, तो हम 7 सूत इसे काटेंगे, तो 7 सूत हो जाता है 0.875। आप इंटू कर सकते हैं, 0.125 को 7 से इंटू करेंगे तो 875 आ जाएगा। एंटर कर दिया हमने, वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे सेंटर के लिए, सी प्रेस किया, और अब हम इसे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम ट्रिम से क्या होता है, कट जाता है नीचे का हिस्सा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऊपर से ही ट्रिम, और नहीं तो आप ऑब्जेक्ट में जाके भी कर सकते हैं शेपिंग में से ट्रिम। ट्रिम कर दिया हमने, इसे डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास ये 2 साइजेस आ गए हैं। इसे ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं, यहीं से कंट्रोल के इसकी शॉर्ट कमांड होती है, ब्रेक अपार्ट कर लिया। अब इसमें भी एक चीज़ क्या है कि हमें, अगर मान लीजिए आपको कोई लीफलेट बनाना है, तब तो ये ओके साइज़ है, आप इसके अंदर जो भी कुछ बनाएंगे वो बन जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपको कुछ और इसमें, अगर आपको बाइंडिंग करनी है, तो हमने फाइनल साइज तो पहले ही ले लिया था, अगर हमें ऊपर से बाइंडिंग होगी, क्योंकि अब ये इतनी पतली किताब है कि साइड से बाइंडिंग तो हो ही नहीं सकती, तो ऊपर से ही होगी इसकी, तो इसमें हम आधा इंच और कम कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी माइनस लिख सकते हैं, यहीं पे -0.5 हम लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तो वहाँ पे 9.25 हो गया, वो अपने आप ही उसकी कैलकुलेशन कर लेता है, क्योंकि हमें ऊपर से करना था। तो अब ये तैयार साइज है, ऊपर से जो है यहाँ से आपकी बाइंडिंग हो जाएगी बुक, और जो बाकी एरिया बचा है इसमें आप आराम से डिज़ाइन बना सकते हैं, इससे बाहर आपको नहीं ले जाना है। अब ये हुई बात, सेम यही चीज़ जो है ना, हम छोटे डिज़ाइन में भी कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन में आप नापना चाहते हैं तो उसका तरीका यही है। मान लीजिए ये है,
इसे हमने ऊपर वाले से करके देख लिया है, चाहे तो आप इसमें हमने पहले ही ऊपर से काट रखा था, अगर इसमें दो बनाने हैं तो यहाँ से हम 0.875 कट कर देंगे तो ये लंबा साइज आ जाएगा। अब इसमें हम 9.75 ही ले लेते हैं जो हमारा ओरिजिनल साइज निकलता है इसमें, तो ये लिया हमने। मान लीजिए कोई लंबा ना बन के चौड़ी बनाना चाह रहा है तो उस केस में क्या करेंगे भाई, अब हमने इस वाली साइज में यहाँ से जो है बाइंडिंग के लिए पहले ही स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये जो साइज है ये आ रहा है 7.5 इंच, 7.5 से ज़्यादा प्रिंट आउट नहीं निकलता है, तो ये हम सेफ साइड पे हैं और हमारी जो हाइट है वो भी 9.75 है तो वो भी ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें भी दो बुक बनानी है, अगर हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बॉक्स लेंगे और यहाँ पे खींचेंगे और इसमें भी गैप वही देंगे 7 सूत का, तो वो हो जाएगा 0.125 × 7, वो हो जाता है 8.75। ऊपर भरेंगे हम, सॉरी ये विड्थ में भरना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भरना पड़ेगा 0.875, एंटर मार देंगे तो ये जो 0.875 इसकी हो गई है हाइट। आप दोबारा से इसे शिफ्ट प्रेस करके इसे करेंगे सेलेक्ट और सी प्रेस करेंगे सेंटर हो जाए, ई प्रेस करेंगे सेंटर होने के बाद दोबारा से हम इसे कर देंगे ट्रिम। ट्रिम करने से नीचे का एरिया कट जाएगा हमारे पास और इसे हम कर देते हैं डिलीट। तो अब हमारे पास ये जो साइज आया है, ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं इसे, तो ये वाला जो साइज आया है ये हमारे पास दोबारा से बिल का साइज आ गया है छोटा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पे हॉरिजेंटल लिखते हो या वर्टिकल लिखते हो, आपका काम दोनों तरह से हो जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, चाहे तो आप हॉरिजेंटल लिख लो चाहे तो आप वर्टिकल लिख लो, क्योंकि हमने एक चीज़ हमने छोड़ दी है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि यही है कि आप इसमें ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो उससे लिखने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइंडिंग आपकी यहीं से होगी। जैसे मान लीजिए इसमें आप लिख रहे हो या तो यूं लिख लीजिए, कैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं और आप कर सकते हैं, और ऐसे ही सारे लीफलेट्स के साइज निकलते हैं। बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास अब ये जो है एक है 9 इंच बाई 11 इंच का पेज, ये ले लेते हैं 11 इंच बाई 9 इंच का पेज। मान लीजिए अब इसकी हाइट ये है हमारे पास और आप बनाना चाहते हैं इसमें कोई ब्रोशर या कुछ और, अगर आप 2 पेज का बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने आर्टिस्टिक टूल लिया यहाँ से और इसके अंदर कंट्रोल प्रेस करके एक लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद दोनों को किया सेंटर, चाहे तो आप इसे ट्रिम कर लें, नहीं तो आपके पास आ जाते हैं 2 पेज 1 बॉक्स, ये है दोनों को ट्रिम कर लेते हैं हम। ट्रिम करने के बाद लाइन को कर देते हैं डिलीट, इन्हें करते हैं ब्रेक अपार्ट। अब हमारे पास आ गए आपके पास 2 बॉक्स, इसके अंदर आप बना सकते हैं जो भी आपको ब्रोशर चाहिए, इसके अंदर अंदर आप मैटर रखें। अब मान लीजिए आपको ब्रोशर बनाना है तो आप इसमें साइज कैसे लेंगे, देखिए ये तो है पेपर का साइज, इसे एक और प्लस करते हैं, पेपर का साइज है तो प्रिंट एरिया हमें उतना ही लेना है, 9 इंच की तरफ से तो 7.5 इंच ही रहेगा क्योंकि वो ही नहीं निकलता है, आपका प्रिंट आउट ही निकलता है। हाँ अगर आप इसे बड़ी ऑफसेट पे प्रिंट करने जा रहे हैं तो आप उससे भी बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि फिर शीट बड़ी छपती है, मैकेनिज्म वो ही रहेगा कि आपको छोड़ना है आधा आधा इंच तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ ये है कि शीट हमने बड़ी प्रिंट करी है तो हम कट फ्लैश भी प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शीट बड़ी थी हमने पहले प्रिंट कर लिया और बाद में कटिंग कर दी, पर ये जो चीज़ें हैं ये बिल बुक्स में और ये जो आपके सिंगल कलर की जॉब्स चलती है उनमें ये चीज़ काम नहीं करती, उनमें पहले पेपर काटा जाता है। जो आपकी बल्की आइटम होते हैं या जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या मल्टी कलर की कोई आइटम होती है, मल्टी कलर प्रिंट होना है, तो उन केसेस में आपको बड़ी शीट प्रिंट करनी होती है और उसके बाद हम कटिंग करते हैं, तो ये देखना होता है कि हमारे पास बड़ी शीट है या छोटी है। अगर बड़ी भी शीट है, आपके पास 18 इंच बाई 22 इंच की भी शीट है तो भी आपको आधा आधा इंच तो चारों तरफ से छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें भी 17 बाय 21 इंच का ही आपका प्रिंट होगा, या 18-23 की शीट है तो 17 बाय 22 इंच का ही आपका प्रिंट होगा। अब इस केस में अगर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करना है, छोटी मशीन पे प्रिंट करना है, काट के प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये साइज़ छोटा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हो जाता है ये आ जाता है 10 इंच और 10 में से भी हम 2 सूत कम करते हैं तो होता है 9.75, एंटर मारते हैं, हमारे पास ये इनर एरिया आ गया है इसका। अब हम अगर इसमें भी कोई ब्रोशर बनाते हैं सिंगल कलर का फ्रंट बैक, तो हमारे पास ये जो साइज़ आ जाता है वो ये है
और इसके अंदर भी मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ इसके अंदर बना दी और कट टू कट बना दी तो भी आप कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप कट टू कट तो बना देंगे, मान लीजिए एक में मैटर हमने आपने ग्रीन कलर में भर दिया और एक में ये पूरा मैटर टाइप कर दिया, तो आपको बीच में से भी कुछ जगह तो छोड़नी ही पड़ेगी जो फोल्डिंग की जगह होती है। तो उस केस में आप यहाँ पे भी कम से कम नहीं तो 6 सूत की जगह जरूर छोड़ें, या आप 7 भी छोड़ सकते हैं, 6 सूत की तो जरूर ही छोड़नी चाहिए, वो होती है 0.75। तो 0.75 आप छोड़ेंगे तो इतना इतना एरिया और कट जाएगा। इसे शिफ्ट दबा के हम दोनों को ट्रिम करते हैं, पहले हम ग्रीन को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके ट्रिम करते हैं, फिर इसको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके ट्रिम करते हैं। दोनों को हमने ट्रिम कर लिया तो लगभग हमारे पास ये साइज आ जाएगा। सेंटर नहीं था इसलिए सेंटर नहीं आया, आप लोग सेंटर करके ही करना उसे कटिंग। तो ये साइज, क्योंकि ये जो पेपर का साइज है ना, ये तो हमारा पेपर का साइज है, हम कट फ्लैश नहीं कर सकते। तो और जैसे ही आपका मान लीजिए ये है और आपका 3 फोल्ड का ब्रोशर है जो ज़्यादातर बनते हैं लोगों के, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप 3 बॉक्स बनाइए, कंट्रोल प्रेस करके इसकी कॉपी मारिए, राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगी, और फिर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो उसकी एक और कॉपी बन जाती है। तो इन तीनों का साइज़ अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कर दीजिए 11 इंच, यहाँ पे कर दीजिए 9 इंच। अब हमारे पास ये 9 इंच बाय 11 इंच का साइज़ आ गया। अब इसका मार्जिन हम कैसे सेट करेंगे ये देख लेते हैं। तो इसे हम करते हैं प्लस, हाइट तो 7.5 ले लेंगे, उससे ज़्यादा प्रिंट आउट ही नहीं निकलता, आपकी मजबूरी है। और ऐसे कर देंगे हम यहाँ पे 9.75, 1 इंच तो हमें छोड़ना ही था और 2 सूत हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, हमारे पास ये आ जाता है मार्जिन। अब आप क्या कर सकते हैं, पीछे के पेज ये जो 3 है इन्हें ऑल्ट पकड़ के मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर देते हैं इन्हें, 3 फोल्ड में आ गया ये हमारे पास मार्जिन। या तो अगर आप इसमें जगह नहीं छोड़ेंगे तो आपको बहुत ही यहाँ से मोड़ने में दिक्कत आएगी, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़नी ना बहुत ज़रूरी है। और जितने ज़्यादा फोल्ड होंगे ना जगह उतनी ही कम छोड़ी जाती है, ताकि हमारे पास मैटर लिखने की भी स्पेस आ जाए। तो ऐसे में हम छोड़ते हैं लगभग आधे इंच की जगह, तो आधे इंच की जगह आप छोड़ेंगे यहाँ से भी 0.5 की, ये 0.5 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये सेम चीज़ की 0.5 की जगह ले लेते हैं। तो अब जो हमारे पास एरिया आ जाता है वो आता है आपके पास ये वाला, जिसमें आपको डिज़ाइन बनाना है, इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं, और फिर ये वाला एक कंट्रोल प्रेस करके, और फिर एक और कंट्रोल आर करके ये वाला एरिया आ जाता है आपके। अब ये जो आया है एरिया, ये भी हमें अभी तक छोटा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे, तीनों को शिफ्ट प्रेस करके भी आप थोड़ा सा छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर आप इन्हें बिल्कुल जो इसका गैप है वो बराबर होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आर प्रेस करेंगे, राइट अलाइन तीनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, और शिफ्ट ई प्रेस करेंगे। शिफ्ट ई प्रेस करने से जो आपका गैप होता है इनका बीच का वो बराबर हो जाता है। देखिए हमने ये जो बॉक्स लिए थे अंदाजे से लिए थे, तो अब ये जो है ये बॉक्स हमारे जो है ये बिल्कुल गैप जो है बराबर है, देखिए मैंने हटाए हैं। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो वो है प्रिंट होने के बाद, अब ये आराम से बीच में से फोल्डिंग की आपको जगह मिलेगी यहाँ पे और यहाँ पे भी, और जिससे आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सिस्टेमेटिक लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में बाद में, क्योंकि हमारे पास मार्जिन्स जो है बिल्कुल ठीक। और मैंने पहले भी आपको कई बार ही बताया, मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अलाइनमेंट का खास ध्यान रखना है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये अलाइनमेंट से लेकर ही है, तो इसीलिए आपको अलाइनमेंट का खास ध्यान रखना है, बहुत ही खास ध्यान रखना है, क्योंकि अलाइनमेंट अगर आपका ठीक नहीं है तो फिर आप डिज़ाइन नहीं ठीक बना पाएंगे। अब आप हमारे पास ये जो आउटर है, अब आप इसमें बिल्कुल टच करके डिज़ाइन बना सकते हैं, और हमारे पास ये मार्जिन भी रह जाएगा। जब ये प्रिंट होगा तो अच्छे से हमें फोल्डिंग की भी जगह मिलेगी, सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, तो एक डिज़ाइन का बढ़िया आउटलुक आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि हम पेपर में से साइज़ किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। अब एक साइज़ का लेआउट हमारे पास है, तो अब आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी बिल आप बनाने की कोशिश कीजिए या कुछ और ब्रोशर बनाने की कोशिश कीजिए,
आप ब्लैक एंड व्हाइट ही शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसके अंदर कलर ही भरना। और मैं आपको यहाँ पे एक और सलाह देना चाहूँगा कि आप कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो कलर ही बनाना हो आपको, तो भी सबसे पहले आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट ही रखें। अगर आप सारी चीज़ें साथ साथ करने की सोचेंगे कि मैं यहाँ पे पहले ही कलर भर देता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो आपको बहुत टाइम लगेगा और कई बार समझ में भी नहीं आता। तो सबसे पहले आप क्या है, उस डिज़ाइन को ब्लैक एंड व्हाइट ही करें, कलर भरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट तौर पर तैयार कर लें, उसके बाद आप कलर भर सकते हैं। क्योंकि एक बारी आपने अगर शुरुआत में ही कलर भर दिया ना, फिर आपको क्या है, आपका जो माइंड है वो उस तरह से सेट हो जाता है कि मेरे को ये वाले कलर यूज़ करने ही है, या फिर मैंने वो भर दिया है तो, या फिर मैंने वो चीज़ कर दी है तो अब आगे आने वाली चीज़ में अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिल भी जाती है तो भी आप नहीं कर पाएंगे कि मैंने वो चीज़ कर दिया, उसके लिए मुझे वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप पहले पूरा डिज़ाइन तैयार करें और उसके बाद ही उसमें कलर वलर या पिक्चर जो भी कुछ चीज़ें, मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा डिज़ाइन तैयार बिल्कुल रेडी कर लें, मतलब एक रफ लेआउट आपके पास होगा तो आप एक अच्छा डिज़ाइन बना पाएंगे। और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, आप मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में रोज डिज़ाइंस आते हैं, आप उसमें से कोई भी चीज़ उठाइए, उसमें फॉर्मेटिंग होती है, आप करके देखिए उसमें से, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप वो चीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको वहाँ कहाँ परेशानी आ रही है, और आप फिर उसमें जो भी परेशानी फेस कर रहे हैं मुझे बताइए, मैं आपको वो चुटकियों में समझा दूंगा कि वहाँ कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इसी तरह की और भी वीडियोस आप देख पाएंगे और बहुत सी नई बातें सीख पाएंगे। और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से कोल्ड रो में काम कर पाएंगे। सिर्फ आपको करनी है प्रैक्टिस, आपको मैं A to Z जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी इसमें बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।